हालेलुया, स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। क्रूस की ओर ध्यान दें, जैसा कि यशाया की पुस्तक अध्याय 53 उसकी 5 आयत में लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने आपकी और मेरी शर्मिंदगी को अपने ऊपर उठा लिया और उसने हमारे लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया ताकि हम उद्धार को ग्रहण कर सकें। प्रभु यीशु मसीह ने हमारी बीमारी परेशानी को दूर करने के लिए क्रूस को उठाया। जिस क्रूस को आप स्कूलों और कॉलेजों के बाहर देखते हैं, आज मैं आपको उसका मतलब बताना चाहता हूँ। बाइबल बताती है कि आज से 2000 साल पहले यह क्रूस उन लोगों को दी जाती थी जो पापी होते थे, डाकू और गुनहगार होते थे। उस समय पर क्रूस की मौत को सबसे बड़ी और शर्मिंदगी भरी मौत माना जाता था। जिस तरह से आज के समय में फांसी की मौत सबसे बड़ी और शर्मिंदगी भरी मानी जाती है, बाइबल में लिखा है कि लोग प्रभु यीशु मसीह पर एक भी गुनाह साबित नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस की सजा दी। राजा ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि यह लोग तुझ पर एक भी गुनाह साबित नहीं कर पाए, अगर तू चाहे तो मैं तुझे बचा सकता हूँ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने राजा को उत्तर दिया कि मैंने 3.5 साल तक इन लोगों के मुर्दों को जिंदा किया, बीमारों को चंगा किया, लेकिन ये लोग उस समय मुझे पकड़ नहीं पाए क्योंकि उस समय तक मैंने अपने आप को इन लोगों के हाथों में नहीं किया था, लेकिन अब ये मुझे इसलिए पकड़ पाए क्योंकि मैंने खुद अपने आप को इनके हाथों में कर दिया है। मैं इस दुनिया में आया ही इसीलिए था ताकि मैं इस संसार के पापों को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर मर जाऊं और 3 दिन बाद मुर्दों में से जी उठकर प्रभु यीशु मसीह ने ये साबित किया कि वह क्रूस उन्होंने अपनी मर्जी से उठाई थी। आज लोगों के जीवन में बहुत सी शर्मिंदगियां हैं। एक घर में जब एक जवान बेटा नशों में है तो यह उसके पिता के लिए एक शर्मिंदगी है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाता, यह एक शर्मिंदगी है। बच्चा ना होना ये एक शर्मिंदगी है। लेकिन आज जो भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करके उस क्रूस की तरफ देखता है और ये कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले मेरी शर्मिंदगियों को क्रूस पर उठा लिया है, तो वह अपनी शर्मिंदगियों, बीमारियों और परेशानियों से आजाद होता है। जो लोग अमीर, आशीषित और चंगे हैं, उन्हें लगता है कि हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं है, लेकिन परमेश्वर की जरूरत सभी को है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे बिना कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता। इसलिए आज आपको परमेश्वर की क्रूस की ओर देखते हुए अपना जीवन बिताने की जरूरत है ताकि आपके जीवन से सारी शर्मिंदगियां दूर रहें और प्रभु यीशु मसीह की जी उठने की सामर्थ आपके जीवन में काम कर सके। आमीन।